सर दादा भाई क्या और बात सामने रखी है कि साहब स्टेट की पहले साहब भाई साहब हम तो आप हमें आवाज कर रहे हैं हम भाई साहब आप आवाज से मारते हैं लेकिन वैसे जी का प्रयास हो रहा है जितना मुझे अरे भाई हमें एक साल लगेगा अरे यार एक महीना लगा भाई एक महीना ज्यादा कुल लगा साहब 45 मिनट लगा हमारे मैं आज मान लो मैं उम्र के कार कि मैं खुद की विधि सेक्रेटरी से जाऊं अपने अरोड़ा जी से और जो पहले आप ही करो भैया तो आप समझ रहे हो मंत्री जी आए मंत्री आ दे दिया ये बैठे हैं इनके पास तो मामले आते हैं आप भी अपने एमएलए जो आपके जो नेता कांग्रेस के जाएंगे खुद आ रहे हैं उनसे मिलिए फोन करवाइए मिलिए एक साथ सीएम साहब से भी मिलवाइए आप भी प्रयास करियो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ तो प्रयास करोगे तब होगा तुम जाके बैठिए कुछ नहीं होगा मेरे तरफ से जो मैंने तो कहते सर मैंने पहले भी जब युवा बेरोजगार मासे मिलन था मैंने खुद मंत्री जी रोक के बात रखी अभी 10 तारीख को शाम को मुख्यमंत्री और जब आप मैं खुद देखा सीएम को कई बार रख चुका हूँ जब गुजरात से आया तब माता पति करके 15 नंबर बढ़ाए जहाँ मेरे मदद की जो मैंने मदद की पहले जो की बात नहीं रखी नीतीश मोदी जी से मैंने बात की नीतीश मोदी जी बैठ परिणाम आ गया तो उनकी जोनी को जल कर देंगे ये नीतीश मोदी जी ने कहा सुनो अब परिणाम जानकारी कराने के लिए मुझे अभी इन्होंने कहा कि आप सीएम होंगे मैं सीएम मोदी मैंने मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है एक रिश्ते वाले थोड़े खड़े आप हैं मेरा है सबके लिए मेरा कर्तव्य होता है आप सबकी बात रखने के बाद मैं वो मांग पत्र वो भी देखा रीट पात्रता और लोगों की मांग भैया सबकी मांग रखना मेरा कर्तव्य है लेकिन मुझे जहाँ बुलाए मैं गया हूँ आपके पास रखा हूँ आप लोग दूर उठाए गए लोग कितने दूर उठे भैया आप अपने भविष्य के लिए आए पानी आधार आते आपको आना पड़ेगा अगर उन्होंने ये कह दिया लेकिन कम से कम आप अपने एमएलए समझिए उनसे पीछे पड़िए उनसे प्रयास करिए प्रयास सब पड़िए जिसमें आए हैं कभी कभी पास में मिलेगा चले गए सब फोन करिए साहब हमारे साथ सीएम से मिलवाए सीएम साहब भी मिल लेंगे एमएलए सबसे तो वो प्रयास आप ही करें मैं भी बेहतर प्रयास करूँ और मंत्री जी ने कहा कि मैं आज सीएम साहब से और पीछे कर दीजिए मैं आज समझते तीनों मुद्दे सवाल आइए इससे मैं बात करूँगी।